जाइए और दर्शन कीजिए और खूब सुंदर यहाँ का व्यू देखिए, मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा नज़ारा है यहाँ का कि। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं हम। तब तक ये देखिए पिलर कितनी सुंदर, इन मंदिरों की पाया जो पिलर कहते हैं कितनी अच्छा डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ही कलाकारी है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। मंदिर की तरफ हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं एक एक पाए पे कितना काम किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यह जगह। आप लोग एक बार आइए और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से। अभी बहुत ही कम ही लोग गए होंगे हमको लग रहा है, लेकिन जो भी जाएगा एक बार जरूर कहेगा कि हाँ अच्छे जगह आए हैं। देखिए ये नंदी जी का है बीच में मंदिर के सामने, बहुत ही अच्छा ये नंदी जी। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे शंकर जी का रूप मिलेगा और भी देवता हैं यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी आइए और देखिए मंदिर का नज़ारा कितना अच्छा है। बहुत सुंदर डिजाइन यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत जगह है, इब्राहिम पट्टी बलिया जिला है ये, जो कि आप देख सकते हैं ये पड़ता है भीमपुरा साइड में, नागरा होकर जाना पड़ता है। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से कलाकारी की गई है इन दीवार के एक एक पिलरों में। तो आइए हम मंदिर के अब उस तरफ चलते हैं जहाँ दिखाएंगे हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर कलाकारी। देख सकते हैं ये छत है उसका मंदिर का, काफ़ी खूबसूरत ये डिजाइन है। सामने पार्क वर्क है, देख सकते हैं यहाँ तालाब है, काफ़ी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी हमको लगी। और साफ सफाई तो एक नंबर का है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं चमचमाता हुआ टाइल्स दिख रहा है। यहाँ पिलर पे गणेश भगवान भी हैं, मतलब एक बलिया जिला में बहुत ही, हम तो कहेंगे कि ये टॉप नंबर वन पे मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। मंदिर का हर एक पाया पे बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर हमारे दोस्त कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो आइए हम मंदिर के साइड से घूमते हैं। ये देखिए हनुमान जी का है, यहाँ पे सभी प्रकार के शंकर जी आप लोगों को दिखेंगे। दीवार के चारों तरफ से शिव जी का यहाँ पे निर्माण किया गया है चित्र का,
देख सकते हैं आप लोग सभी प्रकार के यहाँ पे शंकर जी एक ही मंदिर के प्रांगण में मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सभी धाम यहीं पे हैं, आकर दर्शन कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही खूबसूरत कलाकारी यहाँ पे की गई है, जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। देख सकते हैं ये शिव जी का अलग अलग रूप है, जो महाकाल से लेकर सभी रूप यहाँ पे महाकालेश्वर हैं। ये देखिए खूबसूरत सिया राम जी की जोड़ी, बहुत ही मनमोहनी मूर्त है ये। देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण जी हैं, तो काफी यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर जी का यहाँ पे फोटो लगा है, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया है। और ये हम दिखाते हैं आप लोग, देख चुके हैं आप लोग दीवार के चारों तरफ से ये शिव जी का निर्माण मंदिर मूर्त जो है दिख रहा है। अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मंदिर मेन मुख्य मंदिर है दिखाते हैं। देखिए हमारे दोस्तों यहाँ पे मजे कर रहे हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, इसमें से निकलने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आगे की तरफ आते हैं, देखिए मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ मंदिर के ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब देखिए पहले ये देखिए ये जो बरामदा है, ये बरामदे में इसी में पाया था। और ये पीछे हमारे जो मंदिर है इस पे पूरा ऊपर तक एक छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, ये देख सकते हैं मंदिर के साथ ही बना हुआ है। काफी खूबसूरत ये है जगह, आइए एक बार देखिए, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। साउथ जैसा यहाँ पे, साउथ में जैसी मंदिरें होती हैं वैसा ही यहाँ पे थोड़ा डिजाइन देखने को मिल रहा है। और बगल में पार्क भी है जहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं, अपना शांति से आप अपना सोच विचार कुछ भी सकते हैं। साइड में है, घूमे होंगे तो थके होके होंगे तो वहाँ पे आराम कर सकते हैं। देखिए मंदिर दूर से कैसा दिख रहा है, यहाँ पे यज्ञ का भी कार्यक्रम होता है बीच बीच में, इसीलिए ये मंडप बनाए गए हैं साइड में। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, जो कि काफ़ी हमको अच्छा व्यू यहाँ का लगा, बहुत सुंदर चंद्रशेखर जी के द्वारा बनाया गया मंदिर, काफ़ी अच्छा लगा हमको। बलिया जिला में सबसे खूबसूरत ये मंदिर है, यहाँ पेड़ से लेकर सब चीज़ यहाँ पर दिखेगा। साइड में ये तालाब में मछलियाँ भी हैं, आप लोग आकर यहाँ पर दाना भी खिला सकते हैं इन मछलियों को। काफी मनभावनी यहाँ की तस्वीरें हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे, आइए हम आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है जो कि हमको काली माँ का मंदिर नजर आ रहा है, जो पानी में आधा ये मंदिर पड़ा हुआ है। देखिए काली माता का मंदिर है ये, देख सकते हैं आप लोग, जय हो काली माता। बलिया में हम तो कहेंगे कि एक बार जाइए है तो, और यहाँ पे घूमिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बलिया में चारों तरफ वीडियो फैल जाए, ताकि यहाँ पे लोग घूमने जाए।